दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। बॉक्स का रॉ मटेरियल इंडिया में से ही अलग अलग कंपनी में से लाया जाता है। कोरोगेटेड बॉक्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल में क्राफ्ट पेपर और गम का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्राफ्ट पेपर के दो रोल को रील स्टैंड पे रखा जाता है, उसमें से दो छोर निकालकर कोरोगेटेड मशीन में डाले जाते हैं। उसके बाद आता है कोरोगेटेड मशीन। कोरोगेटेड मशीन बॉक्स बनाने के लिए अहम पार्ट है। इस मशीन में तीन हीटर होते हैं जिसको 400 टू 450 डिग्री तक गर्म किया जाता है और उसमें गम डाला जाता है। और इस मशीन में दो क्राफ्ट पेपर आपस में चिपक कर एक कोरोगेटेड सीट तैयार हो जाती है। अब ये तैयार हुई सीट को कटिंग मशीन में कट किया जाता है। अब आपने देखे होंगे अलग अलग कंपनी के डिजाइन वाले और उसके लोगो वाले बॉक्स, तो उसको बनाया कैसे जाता है? तो उसके लिए क्राफ्ट पेपर पर कंपनी के लोगो और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस पर प्रिंटिंग किया जाता है। कोरोगेटेड सीट को पेस्टिंग मशीन से गुजरा जाता है, वहां पर वो आपस में चिपक जाती है। और आपने अक्सर वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर के लिए हैवी थिकनेस वाले बॉक्स देखे होंगे, तो उसके लिए पेस्टिंग मशीन में 3, 5, 7 और 11 सीटों को एक साथ जोड़कर कोरोगेटेड बॉक्स को थिकनेस दी जाती है। अब छोटे छोटे बॉक्स जैसे कि आइसक्रीम, मेडिसिन और डिजाइनर बॉक्स के लिए कोरोगेटेड सीट को ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन में डाला जाता है। और इस पंचिंग मशीन में डाई की मदद से ग्रू बनाए जाते हैं, उसे आप बॉक्स को इजीली मोड़ के बॉक्स का मनचाहा शेप दे सकते हैं। अब बड़े बॉक्सेस जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।